दुनिया की कुछ चीज़ें बेहद खास और यूनिक होती है, उनकी अपनी अलग पहचान होती है। उन्हीं में से एक है एंटोनोव AN-225। इस जहाज के बारे में हमने अपने कई सारे वीडियो में जाना है। अगर आप इस चैनल को लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा जहाज है। इस जहाज का इस्तेमाल उन चीज़ों को कैरी करने के लिए किया जाता है जिसे दुनिया के कोई और जहाज या फिर किसी और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा कैरी नहीं किया जा सकता। ये जहाज अपने पीठ पर पूरा का पूरा स्पेस शटल को लेकर उड़ सकता है। यहाँ तक कि इसने कई सारे एरोप्लेन्स को अपने पीठ पर लेकर टेक ऑफ और लैंडिंग किया है। ये विमान कई बार भारत के हैदराबाद एयरपोर्ट पे भी आ चुका है। अभी ये विमान यूक्रेन में था। इस विमान को सोवियत यूनियन के द्वारा बनाया गया था। उस वक्त यूक्रेन रशिया का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन सोवियत यूनियन के अलग होने के बाद यूक्रेन एक अलग देश बन गया और यह विमान वहीं रह गया और तब से ये यूक्रेन में ही था। और अब बेहद दुखद खबर आ रही है कि इस विमान को रशियन फोर्सेस ने नष्ट कर दिया है। ये विमान यूक्रेन की राजधानी कीव के नजदीक एयरपोर्ट पे खड़ा था। इसे रशियन ट्रूप्स ने युद्ध के तीसरे दिन डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस विमान को लेकर सबसे दुखद बात यह है कि ये विमान पूरे पृथ्वी पे सिर्फ एक ही था। इस विमान के सिर्फ एक ही यूनिट को कंपनी के द्वारा बनाया गया था। इसी कारण से ये एक बेहद लेजेंडरी विमान था। इस विमान का पूरा नाम एंटोनोव AN-225 मरिया था। मरिया यानी कि आजादी। इस विमान के डिस्ट्रॉय होने के बाद यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि रशियन ट्रूप्स हमारे मरिया को तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन हमारी आजादी को कभी खत्म नहीं कर सकते। ये विमान सचमुच एक महादैत्य विमान है। इस विमान में 6 ताकतवर जेट इंजन्स लगे हैं और ये दुनिया के सबसे ज्यादा थ्रस्ट पैदा करने वाले इंजन है। ये विमान अब तक का सबसे लंबा और सबसे वजनी विमान भी है। इस विमान का निर्माण 1980 के दौरान किया गया था। इसे मुख्य रूप से रॉकेट इंजन और रॉकेट पार्ट्स को कैरी करने के लिए बनाया गया था, लेकिन USSR के पतन के बाद इसका इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए किया जाने लगा। इस विमान ने अपनी पहली उड़ान 1988 में भरी थी। ये विमान अगर दुनिया के किसी भी एयर शो में हिस्सा लेता है तो वहाँ मुख्य आकर्षण का केंद्र रहता है। इस विमान का इस्तेमाल COVID-19 के दौरान कई जगहों पे मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए किया गया था। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इस विमान का वजन 6,00,000 kg है, लेकिन ये 6,40,000 kg तक के वजन को लेकर उड़ सकता है। इस विमान को डिस्ट्रॉय करके रशियन ट्रूप्स ने बहुत गलत किया। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस विमान को बनाने वाली एंटोनोव कंपनी ने कहा कि इसे दोबारा रिपेयर किया जाएगा, जिसमें 5 साल तक का वक्त लग सकता है और हजारों करोड़ खर्च होंगे। आपने देखा कि दुनिया का सबसे लेजेंडरी और यूनिक विमान कैसे रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे जंग का भेंट चढ़ गया। इसीलिए कहा जाता है कि जंग युद्ध हमेशा नुकसान ही लाता है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर लिखिए और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।